तस्वीरों में दिखाई दे रहा है ये नजारा स्मार्ट सिटी बड़खल विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 12 का है, जो कि कहने को तो स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आता है, लेकिन ये नजारा देखकर आप इसे स्मार्ट सिटी कहेंगे नहीं। जी हाँ, फरीदाबाद में जहाँ पर कोरोना के मामले इन दिनों चिंता का विषय बने हुए है, वहीं पर यहाँ वार्ड नंबर 12 में स्थित डी ब्लॉक में पिछले लंबे समय से ओवरफ्लो सीवर के पानी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। आलम यह है कि रिहायशी गलियों में सीवर का पानी बह रहा है और इंसान तो क्या, यहाँ पर जानवर भी रहना पसंद नहीं करेंगे। सीवर के खड़े पानी के चलते मच्छर मक्खियों का भरमार हो चुका है और बीमारी फैलने का खतरा बढ़ गया है। इस समस्या को लेकर स्थानीय लोगों ने निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपना रोष प्रकट किया। किस तरह का नहीं रहना चाहिए यहाँ पे, जिस तरह से यहाँ पे इतना गंदा पानी जम रहा है, गंदगी बढ़ती जा रही है, लोगों को बीमारियां फैलेंगी, तो इसको ठीक करवाया जाए। मेरे घर के बाहर अगर आप एक 5 मिनट के लिए भी खड़े होकर दिखा दो, पूरी रात मच्छर स्मेल, इतनी ज़्यादा स्मेल। और मैं पिछले 2-3 दिन से डेली इनके मिस्टर उत्तम जी हैं, उनको मैं डेली फ़ोन कर रहा हूँ, और आज सुबह भी हमने फ़ोन करा है कि भैया आके आप इस हमारे साथ ज़रा खड़े होकर तो देख लो। हमारे अपने बुजुर्ग हैं जो भी है, जिस दिन पर दिन इतनी बीमारियाँ चली जा रही हैं हमारे यहाँ। ये मकान प्रॉपर्टी सरकार के नाम पर कर देंगे अपनी, एक तरह से नरक। इससे तो अच्छा है ना, काला पानी में डाल दें हमें। हाँ जी, पहलाएंगे, आने दो, वोट मांगने आने दो, फिर दिखाएंगे। पहले तो लिमका खोलते थे ना उनके लिए थम्स अप, अब नोट, अब आने दो एक बारी। सीवर ओवरफ्लो होने की समस्या के चलते गलियों में सीवर का पानी भरा हुआ है, जिसके चलते लोगों को आने जाने में बेहद परेशानी होती है। साथ ही साथ क्षेत्र में इस पानी के चलते काफी बदबू फैल गई है और लोगों के घरों के टॉयलेट तक जाम हो गए हैं। लोगों ने बताया कि उन्होंने नगर निगम को बार बार इस समस्या को लेकर शिकायत दी और कई बार नगर निगम के कर्मचारी आए भी, लेकिन महज खानापूर्ति कर अस्थायी समाधान कर चले गए, जिसके बाद ये समस्या बार बार पैदा हो जाती है। इतना गंदा सीवर है, बच्चे भी बीमार हैं हमारे। अगर नगर निगम नहीं कर सकते ये काम, तो बोल दो हमें कि हम खुद करेंगे। अब क्या ई ब्लॉक वालों के लिए मशीन है, डी ब्लॉक वालों के लिए मशीनें नहीं है? क्या डी ब्लॉक वाले टैक्स नहीं देते? क्या डी ब्लॉक वाले कोई टैक्स भरते ही नहीं है? अगर बोल दो अगर नहीं भरते तो हम नगर निगम को टैक्स देना ही नहीं चाहेंगे। अब अगर नगर निगम हमारे लिए काम नहीं कर सकते ना, तो हम टैक्स नहीं भरेंगे अपना। सर, हमारे गेट के आगे इतनी गंदगी जमा हुई है, सारी गलियों का सारा पानी यही हमारे गंद आगे इकट्ठा हुआ है, और इतने मच्छर की हमारा निकलना बिल्कुल मुश्किल हो गया, और इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल निकल नहीं सकते, और बच्चे बीमार हुए पड़े हैं। स्थानीय लोगों की तरफ से चेतावनी दी गई है कि अगर जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान नहीं होता है, तो चुनाव में लोग वोट की चोट से इसका बदला लेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि नगर निगम इन लोगों की समस्या का कब स्थायी हल निकालता है। पंजाब के सीटीवी के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।